जीवन में समस्याएं अपरिहार्य हैं। मुश्किलें खत्म होने की राह देखना समुद्र की लहरों के रुकने की राह देखने जैसा होगा। मौन का अपना एक अद्भुत आकर्षण होता है, पहाड़ों का हो या किसी शांत झील का। इस मौन में थोड़ी देर अपने साथ ही बैठे रहना ध्यान हो जाता है। ध्यान आंतरिक मौन में स्थिति पाने के लिए होता है। फिर भी बरसों से ध्यानाभ्यास करने वाले लोग भी ध्यान के लिए शांत वातावरण चाहते हैं, और उस समय आसपास शोर हो तो अशांत हो उठते हैं। शोर दो तरह का होता है, बाहरी और भीतरी। दोनों को चुप कराना एक कला है। कहते हैं जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति आपके मन में विरोध होता है वो भी डटे रहते हैं। आप जितना विरोध करेंगे उतना आप ही परेशान होंगे। परिस्थितियों को बदलना समाधान नहीं, उत्तम उपाय है। आप उन्हें महत्व देना बंद कर दें, इग्नोर करें और अपना ध्यान अपनी सांसों और वर्तमान क्षण में ले आए। इसका अभ्यास करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब कितना भी शोर शराबा हो, आपसे कोई लड़ने झगड़ने की कोशिश करे, आपको क्रोध या द्वेष भरी नजरों से देखे, तब भी आप यूं ही शांत रहेंगे जैसे कोई और है ही नहीं। फिर भी अम्मा हम जैसे नौसिखियों को डिस्काउंट देने के लिए कहती हैं। हो सके तो साधक शुरुआत में ध्यानाभ्यास के लिए कोई शांत स्थान चुने। थोड़े समय के अभ्यास के बाद वो कहीं भी ध्यान करने योग्य हो जाएगा। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। നമ്മെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാനും വരുന്നതിനെ സ്വീകരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന വിദ്യയാണ് ആധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത്। ജീവൻ മേ സമസ്യായേ അപരിഹാര്യ ഹൈ। मुश्किलें खत्म होने की राह देखना समुद्र की लहरों के रुकने की राह देखने जैसा होगा। ठीक होने के बाद डॉक्टर से मिलने जैसा, ठीक तो वही करेगा। हमें प्रेम और स्वीकृति का भाव सिखाने वाली विद्या है आध्यात्मिकता। मनः शक्ति दात्री। इस संदर्भ में एक घटना याद आती है। अम्मा 9 वर्ष की थी, बैकवाटर्स के उस पार से लौट रही थी, सामान खरीद कर वहां बैठी थी। दोपहर का 1 बजा था। सरकारी नाविक नाव बांधकर भोजन करने चले गए थे। इक्का दुक्का प्राइवेट नावों वाले भी चले गए थे। तो
मैं बैठी थी और एक बूढ़ी दादी माँ भी वहाँ करीब 82 वर्ष की रही होंगी, रो रही थी। अम्मा ने उनसे पूछा, दादी तुम रो क्यों रही हो? वो बोली, बेटी कल से घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे बहुत भूखे हैं, मैं उधार पर थोड़ा सा सामान खरीद कर लाई हूँ, नाविक लोग विश्राम करने चले गए हैं, राम जाने ये कब वापस आएंगे, मेरे बच्चे भूखे होंगे और कुछ नहीं तो मैं थोड़ा कंजी ही बनाकर उन्हें देती। उनकी याद ने मुझे रुला दिया। गवर्नमेंट की नावें 16 लोगों के लिए काफी थी, पर कभी वे 30 भी बिठा लेते थे। इन नावों को उनके नाविक ही चला सकते थे। अम्मा ने आव देखा ना ताव, उसके दुख में सब भूलकर नाव खोल दी। नाव खोलकर पोल उठा लिया, और पोल ऐसा है कि पानी में पड़े पड़े वो सामान्य से तिगुना भारी हो जाता है। अम्मा से भी भारी था वो पोल, उठता नहीं था पर जोर लगाकर उठा लिया और कहा, दादी माँ आ जाओ। वो हैरान, कोई और है नहीं, तुम अकेली कैसे? बेचारी थरथर कांपने लगी, बेटी क्या करूं क्या करूं? अरे चढ़ो दादी, कहकर सामान नाव में रख दिया और पोल उठा लिया। कठिन था पर मैं जोर लगाकर नाव में चढ़ गई। छोटी सी नाव जिसमें 10 घट पानी ही भर कर लाना होता तो चप्पू से चलाकर ले आती थी मैं, पर पोल से कभी नहीं चलाई थी। फिर आत्मविश्वास के साथ पोल उठा लिया, धकेला, हिम्मत जुटाकर चप्पू चलाने लगी, पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ी। कहीं 10 फुट गहराई थी तो कहीं 12। जहाज गुजरने वाली जगह 15 फुट गहराई थी, वहां कीचड़ होने से ज्यादा जोर लगाना पड़ता था। कुछ देर में किनारे खड़े लोगों ने हमें देखा और चिल्लाने लगे, अरे मत ले जाओ, वापस आ जाओ। थोड़ी देर में इस ओर भी भीड़ जमा हो गई, हर घंटे वहां से जहाज गुजरते, टकराने की पूरी संभावना थी, स्पीड में उनकी ब्रेक नहीं लगती। जहाज से न टकराएं दोनों ओर के लोग इस पार और उस पार भी भयभीत खड़े थे, घुटने तक पानी में उतरकर लोग ओ करके चिल्लाने लगे, दादी और मैं नाव में। आखिर जैसे तैसे किनारे आ पहुंची। किनारे पहुंचते ही दोनों ओर से लोग तालियां बजाने लगे, ताली बजाकर जयकार करने लगे। वहां मेरी माँ भी खड़ी थी, हाथ में छड़ी लिए। लड़कियां खड़े रहकर पोल से नाव नहीं चलाती थी उन दिनों, बैठकर चला लो पानी भरने आदि के लिए, पर लड़कियों के लिए खड़े होकर पोल से नाव चलाना स्वीकार्य नहीं था। इधर जयकार हो रही थी, उधर मेरी धुलाई। राहत इतनी थी कि दादी पहुंच गई, क्योंकि पिटना तो था ही, गलती जो भारी की थी। तो द्वंद्व तो सर्वत्र है, जगत का स्वभाव ही है, स्वीकार करना ही होगा। मैंने परोपकार किया, बदले में मिली प्रताड़ना, उस समय ऐसा नहीं सोचा। अम्मा से पोल उठता नहीं था, पर बूढ़ी माँ के दुख को देखकर कुछ सोचा ही नहीं। कारुण्य ने मुझे भारी पोल उठाने, नाव चलाकर दूसरी ओर आने योग्य बनाया। ऐसा नहीं कि तुम सब भी ऐसा करो, तात्पर्य यह कि आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चय ही सफल होंगे। अक्सर हम कुश्ती की प्रतियोगिता देखते हैं। कुश्ती प्रतियोगिता में 2 में से 1 प्रतिद्वंदी पछाड़ खाकर गिर सकता है, पर सिर्फ गिर जाने के कारण उसे पराजित नहीं कह सकते। वो जब उठकर अपने पैरों पर न खड़ा हो पाए तभी पराजित कहेंगे। तो जीवन में समस्याएं आएंगी, धैर्य रखो। Thank you.
खूबसूरत राज्य कर्नाटक से अम्मा का टूर ग्रुप अब तेलंगाना की ओर बढ़ चला। हैदराबाद तक की 8 घंटों की यात्रा रमणीय प्राकृतिक दृश्यों व मंदिरों से भरपूर थी। अम्मा के बच्चे विश्व भर से टूर की सहायता हेतु स्वयं से भी बनकर आए थे। ऐसे आकर्षक प्रेम के सानिध्य में समय बिताने का दुर्लभ अवसर, करुणा को कर्म में उतार कर सेवा करने का अवसर और एक माँ की शीतल छाया में
सीखने और बढ़ने का अवसर अपने आप में एक वरदान है। ये टूर अम्मा के करीब जाने का मौका होते हैं। अम्मा और उनका टूर ग्रुप इस लंबी यात्रा के बीच एक खुले मैदान में रुके। सूर्यास्त हो रहा था और प्रकाश की सुंदर किरणों से आकाश खिल उठा। ऐसे में अम्मा ने बच्चों को ध्यान कराया। ध्यान के बाद अम्मा के बच्चों में से किसी एक ने प्रश्न पूछा। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन की कहानी सुनाई। श्री कृष्ण ने कई चीजों की ओर इंगित करते हुए उन्हें गलत नामों से पुकारा और अर्जुन श्री कृष्ण के साथ सहमति प्रकट करता रहा। आखिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछ ही लिया कि ये जानते हुए भी कि वो गलत है, अर्जुन सहमत क्यों था? अर्जुन ने उत्तर में कहा, आप ज्ञानी हैं, आप बेहतर जानते हैं, इसलिए आप जो कहें मैं स्वीकार करता हूं। ये कहानी मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे लिए तो आंख बंद करके सब स्वीकार करना कठिन है। मैं जानता हूं अम्मा अंधविश्वास करने को कहती हैं, तो शायद मैं ही ठीक नहीं समझ पा रहा। और यदि ये सही है तो फिर हम ऐसे कैसे बने? अम्मा ने प्रत्युत्तर में कहा, मीन समुद्रदिन ने विस्तार वाला कन्नवरान। अर्जुन का दृढ़ विश्वास था कि भगवान कृष्ण एक कौवे को हंस बनाने और हंस को कौवा बना देने में समर्थ हैं। अर्जुन हृदय की भाषा बोल रहा था। किसी महात्मा की थाह पाने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे कोई मछली समुद्र की थाह पाने निकले। असंभव किसी प्रौढ़ का अनुभव एक बच्चे के अनुभव से भिन्न होता है। ऐसे ही एक महात्मा का दृष्टिकोण हमारे दृष्टिकोण से पूर्णतया भिन्न होता है। हम वस्तुओं को अपनी सीमित बुद्धि से देखते जानते हैं। आध्यात्मिक तत्व बुद्धि से परे होता है। शिष्य का विश्वास होता है कि गुरु सब कुछ कर सकता है। आवश्यक हो जाता है कि हम अपने हृदयों का विकास विश्वास को विकसित करके करें। अम्मा को ये कहानी बहुत प्रैक्टिकल लगती है, शायद इसीलिए अर्जुन ने ऐसा कहा। अम्मा की यात्रा फिर से हैदराबाद की ओर शुरू हुई। अम्मा अपने टूर ग्रुप के साथ पांव फटने से जरा पहले ही पहुंची। अम्मा के स्थानीय बच्चों ने अपने नगर में अम्मा का स्वागत बहुत हर्ष सहित किया। अगले दिन अम्मा ने कार्यक्रम स्थल पर आकर सबको ध्यान कराया। अम्मा ने सबको प्रसाद परोसा। अम्मा के बच्चों ने, जिनमें स्थानीय भक्त, आश्रमवासी और विदेशी भक्त भी थे, मिलजुल कर हाथ बटाया ताकि कोई ऐसा ना बचे जिसे अम्मा से प्रसाद की प्लेट न मिली हो। आश्रमवासी छोटी सी बच्ची ललिता 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 भजन गाने लगी। उसके भोलेपन से अम्मा के सब बच्चों के दिल हर्षित हो गए। अम्मा के बच्चों ने अपने साथ अम्मा के भजन गाने की मधुर यादों को मन में संजो लिया। Thank you.
अम्मा के साथ बिताए हुए अमूल्य क्षण उन्हें बहुत प्रिय हैं। उत्साह से भरे वातावरण में सब लोग अगले दिन के कार्यक्रम की व्यग्रता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं।